हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कमला शर्मा। आज हम बात करेंगे शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है? तो जो शिक्षा है वो हमारे क्या करती है, सर्वांगीण विकास करती है और हमें समाज में समायोजित होना सिखाती है। हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सर्वांगीण रूप से हमारा क्या करती है, विकास करती है। तो सबसे पहले जो शिक्षा है वो क्या है, शिक्षा शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? तो जो शिक्षा शब्द बना है वो बना है एजुकेशन, इंग्लिश के एजुकेशन शब्द से बना है। जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है। तो एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अभिप्राय है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। तो एजुकेशन का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो गया, जो हम में अंदर गुण हैं उनको शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना, उनको निखारना, उनको विकसित करना, उन गुणों का विकास करना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो व्यक्ति है, सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को, उन आंतरिक गुणों को जो हमारे अंदर गुण होते हैं उनको बाहर निकालना और उन गुणों का विकास करना। तो जो शिक्षा है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया है। हम जीवन भर किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसी तरह से जो संस्कृत का शिष धातु है उसके आधार पर अगर हम शिक्षा का अर्थ देखें तो शिष धातु के शिष से बना है, जिसका अर्थ है सीखना एवं सिखाना, मतलब किसी कार्य को सीखना और सिखाना। तो शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। अब परिभाषा इसकी क्या है, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है, जो बालक में गुण होते हैं शिक्षा के माध्यम से उन गुणों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है, उनको विकसित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन गुणों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। दूसरी परिभाषा है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जो उसमें पहले से, विवेकानंद जी का कहना था, जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में गुण होते हैं, उसके अंदर गुण होते हैं, उनको बाहर निकालना, उनको अभिव्यक्त करना, उनको अपने भाषा के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। जिसको हम व्यवहारिक रूप में समाज में लाते हैं और उन गुणों के माध्यम से अपने कार्य को करते हैं। तीसरी है अरस्तु के अनुसार परिभाषा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो अरस्तु ने क्या कहा, जो स्वस्थ शरीर है उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर हम स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हमारा मानसिक विकास भी क्या होगा, तीव्र गति से होगा, अच्छी तरह से हमारा विकास होगा। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने कहा, जो शिक्षा है उसके माध्यम से हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, सर्वांगीण गुणों का विकास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है, जो शिक्षा है वो हमें मनुष्य बनाती है, मानव बनाती है, हमारे व्यवहार में उन गुणों का समावेश करती है, जिससे हम समाज में समायोजित होते हैं, अपने समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को करना सीखते हैं। अब आता है शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? तो शिक्षा तीन प्रकार की होती है, पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा। तो जो औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा मतलब जिस शिक्षा को हम कहीं विद्यालय में, महाविद्यालय में, कॉलेज वगैरह में जाके हम प्राप्त करते हैं, वो क्या हुई हमारी औपचारिक शिक्षा। औपचारिक का मतलब है जिसके लिए समय की एक पाबंदी होती है, समय स्थान निर्धारित होता है और जो पाठ्यक्रम होता है वो भी क्या होता है, निर्धारित होता है, समय सीमा में उसे क्या किया जाता है, बाधा जाता है, एक समय सीमा निर्धारित की जाती है जिसमें हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वो कौन सी शिक्षा है, हमारी स्कूली शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मतलब
स्कूली शिक्षा जिसको हम एक समय सारणी के अंतर्गत एक विशेष स्थान के अंतर्गत सीखते हैं, कुछ जो अधिगम है, जो कार्य करने की तरीके हैं, उनको हम यहाँ से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा हमारी जीवन भर चलते रहती हैं, मतलब किसी भी समय या किसी भी सीमा के अंतर्गत इसे बाधा नहीं गया है, ये आकस्मिक होता है, कभी भी हम इसको सीख सकते हैं। जैसे हम अपने परिवार में अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं, जैसे कोई बच्चा होता है परिवार में अपने बड़ों को देखकर उनके व्यवहार को क्या करता है, नकल करता है और उन्हीं की तरह करने की क्या करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई समय सीमा नहीं है, कोई स्थान निर्धारित नहीं है, कभी भी कहीं भी आकस्मिक रूप से हम उस शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे बच्चे हैं अपने से बड़ों को देखकर बोलना सीखते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं, उनको देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, या जो नैतिक मूल्य होते हैं हम समाज में रहकर सीखते हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, जो अच्छी बातें होती हैं उनको अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं और जो बुरी बातें होती हैं उनको हम अपने आचरण में शामिल नहीं करते हैं, तो ये कौन सी शिक्षा हो गई, अनौपचारिक शिक्षा। और तीसरी है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप, जो पूर्ण रूप से औपचारिक भी नहीं है और पूर्ण रूप से अनौपचारिक भी नहीं है। जैसे यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है या जो हम शिक्षा लेते हैं उसके लिए समय सीमा का बंधन जरूरी नहीं है, समय स्थान का बंधन भी जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपने जो पाठ्यक्रम है हमारा, हम उसको सीख सकते हैं, उस शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो औपचारिक भी हो सक, मतलब इसमें कि जो शिक्षा है उसमें औपचारिकता का होना जरूरी नहीं है और आकस्मिक भी नहीं होता है। पाठ्यक्रम निर्धारित होता है लेकिन समय सीमा या स्थान सीमा का निर्धारण इसमें नहीं होता है। जैसे इसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा या खुली शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि आते हैं। जैसे हम प्रौढ़ शिक्षा, कुछ लोग जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो एज होने के बाद भी अपने घर में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जिन व्यक्तियों को उचित संसाधनों की व्यवस्था नहीं होती है या शिक्षण संसाधनों की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो वो अपने घर में बैठकर जो संचार के माध्यम हैं उनके द्वारा भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे शिक्षा के प्रकार। तो स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और शिक्षा के प्रकार क्या है।